नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लिस्ट को। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो SI भर्ती को लेकर जो आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो क्या खबर है, जो आपकी जो 13, 14 और जो 15 सितंबर को जो परीक्षा होने वाली है वो क्या स्थगित होगी या फिर नहीं होगी, वो सब बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपने अभी तक स्टडी लिस्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जी राजस्थान का ट्वीट किया गया, मात्र 48 मिनट पहले का ही ट्वीट किया गया। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, SI भर्ती में शामिल हो रहे लाखों अभ्यर्थियों की समस्या। 13, 14, 15 सितंबर को आयोजित होने जा रही SI भर्ती परीक्षा, इसी दिन कई यूनिवर्सिटी और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ, ऐसे में परीक्षार्थियों के सामने खड़ी हुई समस्या। दो परीक्षा एक ही दिन में होने के चलते खड़ी हुई समस्या। तब आपकी जो SI की जो एग्ज़ाम है वो 13, 14 और 15 सितंबर को होनी है, तो ऐसे में जो साथ ही कई यूनिवर्सिटियाँ उनके भी एग्ज़ाम है, तो ऐसे में एक ही दिन में जो दो एग्ज़ाम दो परीक्षाएं नहीं हो सकती, ऐसे में आपकी जो एग्ज़ाम है जो 13, 14 और जो 15 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम को स्थगित किया जा सकता है। आप देख सकते हो ये आज का ट्वीट किया गया है, मात्र 48 मिनट पहले का ट्वीट किया गया है, जी राजस्थान का मात्र 48 मिनट पहले का ट्वीट किया गया है। तो अब आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्थगित हो सकती है, क्योंकि जो एक ही दिन में दो परीक्षाएं वो हो नहीं सकती, ऐसे में जो आपकी जो 13, 14 और 15 सितंबर को जो आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। आप देख सकते हो इनमें जो एक ही दिन में दो परीक्षाएं हो नहीं सकती है, तो ऐसे में आपकी जो एग्ज़ाम है SI की वो स्थगित, जो SI की जो परीक्षा है वो स्थगित की जा सकती है, लेकिन अभी तक जो फैसला है वो आया नहीं है। तो जब भी कोई फैसला या फिर कोई भी निर्णय आएगा तो हम आपके बीच में वीडियो बनाकर जरूर लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हो आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपकी जो परीक्षा है वो स्थगित करने की मांग उठाई जा रही है, तो ऐसे में आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्थगित हो सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहे स्टडी अलर्ट के साथ।